हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये हमारे पास एक स्केल है, ये ऑन नहीं हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये ऑन नहीं हो रहा है, तो आज हम इसकी रिपेयरिंग करके आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर लाजमी क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमने इसके स्क्रू खोल लेने हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका हमने स्क्रू वगैरह खोल लिए हैं। ये इसकी क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले हमने देख लेना है ट्रांसफार्मर की आउटपुट कि वो दे भी रहा है या नहीं। ट्रांसफार्मर क्योंकि एसी वोल्ट होता है, इसलिए हमने एसी के ऊपर मीटर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक कर लेने हैं। ये इस टाइम 8.2 वोल्ट दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस टाइम ये 8.2 वोल्ट ट्रांसफार्मर दे रहा है, तो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर इसका बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा हम ये बटन भी शार्ट करके फिर चेक कर लेते हैं। बटन भी शार्ट कर रहे हैं लेकिन ये नहीं चल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी बैटरी उतार दी है। ये रेड कलर जो बैटरी का था वो हमने उतार दिया है। अब हम डायरेक्ट भी इसको ऑन करके चेक करते हैं। तो फिर इसको हम तसल्ली से चेक करेंगे कि क्या चीज़ इसकी शॉर्ट है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। हफ्ते पहले हम मीटर देख लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों ये देखें, ये इसकी एक्सीटेशन की जो तार है वो भी हल्की सी ये टच हो रही थी। अगर एक्सीटेशन की भी तार फार टच हो तो फिर भी ये ऑन नहीं होता। तो अब ज़रा इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड, ये ऑन इस टाइम हो गया है। ये देखें, ये इस टाइम बिल्कुल ऑन हो गया और ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये देख सकते हैं, ये इसकी एक्सीटेशन की दो तारें हैं। अगर एक्सीटेशन की तारें भी आपस में शार्ट हो जाएंगी या लोड सेल से कहीं कटिंग हो के एक्सीटेशन की तार आपस में शार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से भी स्केल जो है वो ऑन नहीं होता है। और इस टाइम ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ये देखें, ये ऑफ करके भी ऑन कर रहा हूँ मैं, तो ये बिल्कुल सही तरीके से ये चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।